ये तो मुझे सोने की ईंट लगती है। इस सोने की ईंट को बेच के मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ियां होंगी और इस भट्ठे पे मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। शुक्र है मुझे किसी ने देखा नहीं। सबसे पहले मैं यहां से निकलता हूं। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझसे ईंट छीन लेगा। सबसे पहले इसको लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? इस हाल में इतना इतबार किस पे करूं मैं? हाँ, अपने दोस्त के पास जाता हूँ, उसे ये सब कुछ बताता हूँ, वो भी ये सुन के खुश हो जाएगा। ओए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम तुम्हारे बाप ने करना है? सेठ, बस 2 मिनट सांस लेने आया था। ओ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जल्दी काम पे चलो। जी जी सेठ, बस अभी गया। अब मैं यहां से निकलता हूं और जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता हूं। अगर मुझे यहां किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। एक तो मोची सीधे 50 रुपए पॉलिश के मांग रहा है, बेवकूफ समझा हुआ है। और कौन इतनी जोर से दरवाजा खड़का रहा है बेवकूफ? और रुक जाओ, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, रुक जाओ। कौन है बेवकूफ? हो मेरा दोस्त राशिद, आज कैसे? यार चुप करो यार, मेरे पास एक चीज है, तुम्हें दिखाता हूँ। क्या हो गया है? खैरियत तो है राशिद, क्या हो गया है? जी जी सब खैरियत है भाई। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो हमें रातों रात अमीर कर देगी। क्या बोल रहे हो? जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे मुझे एक सोने की ईंट मिली है। कोई मुझे देख ना ले, इसलिए सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। ये देखो सोने की ईंट। अरे वाह यार, ये तो वाकई सोने की ईंट है यार। तुम अपने दोस्त पर एतबार करके सारी जिंदगी पछताओगे। ओके राशिद, मेरी गौर से बात सुनो। जहाँ पे तुम काम करते हो दोबारा वहीं पे चले जाओ, ताकि वहां पर किसी को तुम पे शक ना हो। कल सुबह होते ही हम इसे लेकर सुनार के पास जाएंगे, उसे पैसे लेंगे और अपनी मर्जी की जिंदगी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहते हो वैसे ही मैं काम पे चला जाता हूँ। हाँ, अभी जल्दी करो, वापस चले जाओ। ठीक है। चल भी लतीफ, तुम्हारी तो लाइफ हो गई ठीक, अब तू जान और ये सोने की ईंट जाने। चलो फिर। कल से तुम्हारा काम पे दिल नहीं लग रहा, खैर तो है? नहीं नहीं सेठ, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ। चलो जल्दी काम खत्म करो। ठीक है सेठ, मैं भी काम खत्म करता हूँ। बस एक दिन और रुक जा, ये तेरा भट्ठा भी खरीदूंगा और तेरे जैसे 10 मजदूर यहाँ पे रखूंगा। मैं और मेरा दोस्त कल अमीर होने जा रहे हैं। The next day. लगता है सुबह हो गई है। चलो अपने दोस्त के पास चलता हूँ, उसे और सोने की ईंट को लेके सीधा सुनार के पास जाता हूँ। ये कहाँ गया? मेरी सोने की ईंट लेके कहाँ गायब हो गया? मौलवी से पूछता हूँ। मौलवी, इधर मेरा दोस्त रहता था यार, वो किधर गया? अच्छा, वो दोस्त? वो रात को बहुत खुश था, उसने रातों रात ट्रक मंगवाया और अपना सारा सामान लेकर कराची शिफ्ट हो गया। तुम बताओ खैरियत है? खैरियत नहीं है मौलवी, वो मेरी सोने की ईंट लेके फरार हो गया। तुम्हें उस पर एतबार नहीं करना चाहिए था, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया है।